मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी किताबों की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जो जर्मनी पर लिखी गई हैं, ये बताने के लिए कि हम भारतीय बात बात में राजनीतिक दल भी हिटलर का कितना जिक्र करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि भारत में कोई ऐसा है जो हिटलर पर लिखी गई किताबों का विद्वान हो। उन किताबों का कवर हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि पता चले कि हिटलर के बारे में जानना भी हज़ार किताबों की यात्रा से गुजरने के जैसा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, मैं न्यूयॉर्क के बीच में हूँ, ब्रॉडवे इलाका है ये, और यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास जगह पर लाया हूँ। रविवार का दिन है और आप देखिए कि ये शहर पूरा चकाचौंध में डूबा हुआ है, लेकिन ये सारी किताबें यहाँ रखी हुई हैं, ये वो पुरानी किताबें हैं जिसे लोग यहाँ पर छोड़ गए हैं, जिन्हें आप इन किताबों को कम दाम में ख़रीद सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि मैं आपको इंग्लैंड की तरफ फिर से एक अनोखे किताब की दुकान में ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस किताब की दुकान को देखें और उस अमेरिका के बारे में जो हमने नज़रिया बना लिया कि केवल बर्गर खाता है, मैकडोनल्ड खाता है और कोक पीता है, वहाँ उस अमेरिका में किताब की ऐसी दुकानें मौजूद हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और मैं आपको जब इस किताब की दुकान में ले जा रहा हूँ, जैसे जैसे आप देखेंगे हम आगे आपको बताएंगे भी कि किताब की दुकान क्या है, लेकिन ज़रा सा आप नज़र घुमा कर देखिए इस कैमरे की नज़र से, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने भव्य दुकान में आए हैं। और ये कई मंजिला इमारत है, बेसमेंट में भी किताबें हैं यहाँ पर, और इस तरह से आप मौसम के हिसाब से, लेखकों के हिसाब से, मुल्कों के हिसाब से यहाँ पर किताबें सजा कर रखी गई हैं। और इस वक्त इस दुकान में कम से कम सैकड़ों लोग चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो किताब के किनारे जम गए हैं और लग रहा है कि ख़रीदने से पहले किताब को पढ़ भी जाएंगे, और एक या फिर एक किताब ख़रीदेंगे तो चार यहीं से पढ़ भी जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई किसी को गिफ्ट देने के लिए सोच रहे हैं तो ये भी है, दोस्तोवस्की की किताब है क्राइम एंड पनिशमेंट, ये दुनिया की बहुत ही चर्चित किताबों में से एक है। तो यहाँ आने का एक ही मकसद है, बताना कि दुनिया किताब पढ़ रही है, तो अपने आप को धोखे में मत रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। से स्ट्रैंड बुक स्टोर कहते हैं और ये 6th एवेन्यू में है। पहले जब ये बुक स्टोर 1927 के साल में जहाँ था वहाँ एक साथ 48 किताब की दुकानें थीं, मगर अब ये इतिहास में अपनी यात्रा तय करते करते ये बुक स्टोर दुनिया भर में किताबों की जो दुकानें हैं उसमें बहुत ही ख़ास स्थान रखता है, और इसे 18 माइल्स भी कहा जाता है। मतलब यहाँ जितनी किताबें स्टैक में रखी गई हैं लाइब्रेरी में, अगर उनकी दूरी, उनसे एक दूरी बनाई जाए तो 18 मील की दूरी बनती है, यानी करीब करीब 30 किलोमीटर के बराबर। तो इस दुकान में जितनी किताबें रखी हैं अगर आप उसे कतार में सजा दें तो 30 किलोमीटर तक किताबें भर जाएंगी, इतनी लंबी कतार बन सकती है। तो आप जानते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं किताबों की दुकानों पर अपने दर्शकों को लाते हैं ताकि पता चले कि किस किस तरह की किताबें छप रही हैं, क्या कवर हैं, किताबों के कवर की डिज़ाइन किस तरह से की गई है। अब ये देखिए द लास्ट ऑनेस्ट मैन, ये जेम्स रिजन हैं और इसे भी बेस्ट सेलर का खिताब दिया गया है। बहुत तरह तरह की नई नई किताबें आई हैं, इन किताबों को पलट कर देखने से ही हमारी दृष्टि में विस्तार होता है। और अगर आप देखेंगे तो मुल्कों के हिसाब से भी यहाँ पर किताबें हैं, अमेरिकाना है या फिर नेटिव अमेरिकन स्टडीज़ पे किताबें हैं, कनाडा से लेके इंग्लैंड और लैटिन ग्रीक, ग्रीक रोमन, इन सब के हिसाब से, स्कॉटलैंड के हिसाब से भी अगर आप स्कॉटलैंड पे किताबें ढूंढना चाहें या आयरलैंड पे आप ढूंढना चाहें तो इस तरह के आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी किताबों की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जो जर्मनी पर लिखी गई हैं, ये बताने के लिए कि हम भारतीय बात बात में राजनीतिक दल भी हिटलर का कितना जिक्र करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि भारत में कोई ऐसा है जो हिटलर पर लिखी गई किताबों का विद्वान हो। तो जो नाजी का दौर था उसे लेकर एक अलग तरह की स्कॉलरशिप दुनिया में है, जिसके एक से एक विद्वान हैं और उसके तमाम पहलुओं पर उसका अध्ययन किया गया है।
उन किताबों का कवर हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि पता चले कि हिटलर के बारे में जानना भी हज़ार किताबों की यात्रा से गुजरने के जैसा है। तो आप आइए और हम आपको इस सेक्शन में ले आते हैं जो जहाँ पर हिटलर पर लिखी गई किताबें हैं। कोई भी किताब आप पलट कर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि हिटलर का जो आखिरी प्लॉट था उसके मारने का, या फिर आप ये किताब देख लीजिए, ये बड़े लेखक माने जाते हैं इयान करशॉ, और इनकी किताब जो हिटलर पर जो इन्होंने लिखी है वो एक प्रतिष्ठित किताब है। लेकिन आप देखिए कि ये पैथोलॉजी पर किताब है, द पैथोलॉजी ऑफ एविल, जॉर्ज विक्टर ने लिखी है। तो अलग अलग हिटलर ने मानव इतिहास में इस स्तर की तबाही लाई कि उसे समझने के लिए इतनी सारी किताबें लिख दी गई हैं। अब कोई भी किताब आप पलट कर देखिए तो कोई सोर्स बुक है, ये आप किताब देख लीजिए। मैं सिर्फ कवर से देखकर आपको पता चलेगा कि हम लोग हिटलर के बारे में कितना कम जानते हैं। बात बात में कई बार तो एक टीवी सीरियल भी बना था हिटलर दीदी, और उसमें उनके हिटलर होने की बड़ी तारीफ की जा रही है। तो बहुत तरीके से हमारी राजनीति में हम हिटलर का गुणगान भी कर देते हैं। और हालांकि अब भारत में बहुत सारी किताबें आई हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरह से हिटलर से संबंध रखा गया था। अब ये किताब देखिए, ये किताब ये है कि एक ब्लैक महिला हैं जो अपने परिवार के नाजी अतीत के बारे में वो उन्हें पता करती हैं। वो जैसे बहुत सारे भक्त परिवार हो गए हैं, बच्चे जो हैं वो समझा नहीं पा रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये इस महिला ने अपने परिवार में नाजी, दुनिया में इसे शर्मनाक माना जाता है कि आपके ख़ानदान में कोई नाजी है या कोई उसका समर्थक था, या आप भी आज आप समर्थन करते हैं तो बहुत ही शर्म की बात ये मानी जाती है। तो इस महिला ने किताब लिखी है और लिख रहे हैं कि मेरे दादा तो मुझे ही गोली मार देते। तो ये इस तरह से ये जो भक्ति की जो परंपरा बनाई गई राजनीति में वो लोगों को इस कदर बदल देती है कि लोग सनक जाते हैं। कि जहाँ एक पोती लिख रही है कि मेरे दादा नाजी के इतने बड़े समर्थक हो गए थे कि गोली मार सकते थे, तो ऐसे दादाओं से आपको सावधान करने के लिए, अगर आपके घरों में इस तरह के दादा हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, चाचा हैं, तो सावधान करने के लिए मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ। तो ये एक गुड जर्मन नाम से एक किताब है। तो पता चलता है कि किन किन पहलुओं पर हिटलर के दौर का अध्ययन किया गया। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ हिटलर के समय को लेकर लिखी गई किताबों की गलियारे में ही हूँ, और ताकि मैं चाहता हूँ कि आप देखें। और बहुत सारे लोग इस किताब की दुकान में, ये एक जर्मन बच्चे की कहानी है जो उस वक्त ये एक रिफ्यूजी स्टोरी है कि जब बहुत सारे लोग जर्मनी से भाग रहे थे, शायद उसकी एक कहानी होगी। और किस तरह से उसने तबाही मचाई है इस आदमी ने कि इसको समझने के लिए दुनिया भर में इतनी किताबें लिखी गई। ये नाजी वुमन है। देखिए जो सांप्रदायिक राजनीति होती है, जो जो भारत में आप तुलना कर सकते हैं एंटी मुस्लिम जो राजनीति होती है, वो जो सांप्रदायिकता जो है लोगों को हथियार में बदल देती है। लोग सनक जाते हैं, किसी के मारे जाने पे खुश होने लग जाते हैं और वो उसके समर्थक बन जाते हैं। और महिलाएं भी इस राजनीति से अलग नहीं हैं, वे भी इसकी चपेट में आती हैं। तो अट्रैक्शन ऑफ एविल, इस किताब का टाइटल देखिए कितना महत्वपूर्ण है, नाजी विमेन अट्रैक्शन ऑफ एविल, मतलब जो बुराइयां थीं उससे औरतें भी आकर्षित थीं। जो इनका मर्दवाद था, जो इनकी ताकत का जो गुरूर था, वो महिलाओं को भी आकर्षित करता था। मगर ये सब आगे चलकर इतिहास में किस तरह से दर्ज हो रही हैं ये आप देखिए। इनकी कोई अब तारीफ नहीं कर रहा है, लेकिन तब ज़रूर इन्हें लगता था कि कोई बहुत बड़ा नया दौर चल रहा है। और ये देखिए, सोल्जर्स ऑफ एविल, मतलब उस बुराई के जो सिपाही थे, जो कंसंट्रेशन कैंप में जो सिपाही लोग थे उसके ऊपर है। तो भयानक जो तबाही थी, लोगों को गैस चैम्बर में मारा गया, जो मारने, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में हत्या करने की जो चीज़ें हैं वो उस पर ये सारी किताबें हैं। ये देखिए डेविल्स डायरी, ये सारा ऑफ अल्फ्रेड रोजनबर्ग एंड द स्टोलन सीक्रेट्स ऑफ द थर्ड राइक, ये किताब का टाइटल है। तो आप हिटलर को अगर जानने चलेंगे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। ये देखिए एक रिपोर्ट फ्रॉम, ये जोसेफ रॉथ हैं जो शायद रिपोर्ट कर रहे हैं बर्लिन से 1920 से 1933 के बीच, और उनकी किताब का टाइटल है व्हाट आई सॉ,
और ये किताब है, ये भी लगता है कि इसका ये पेपरबैक संस्करण है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक रही होगी। तो इसी तरह से मैं आपको एक रैंडम तरीके से किताबें निकाल कर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिटलर को जानने के लिए अभी हम कितने पीछे हैं। ये देखिए कि उस नाजी जर्मनी में कौन था, कौन चमचा था, कौन क्या करता था, कौन ट्वीट करने वाला था, कौन रीट्वीट करने वाला था और कौन हर गलत को सही करने के लिए चला आता था, ये उस दौर में भी हुआ। तो इसी तरह से कभी किसी भी दौर में देश में जो इस तरह की चीज़ें गुजरती हैं, तबाही तो आती है मगर इतिहास उन्हें बहुत सावधानी से दर्ज करता है, उनके खलनायकपन को, उनके भीतर की हिंसा को, उनके द्वारा लाई गई तबाही को बहुत ही क्रूरता के साथ इतिहास तय करता है। तो ये आपको तय करना है कि आप इतिहास के दौर के किस पन्ने पर अपने आप को देखना चाहते हैं। यहाँ इसीलिए मैं लाया हूँ ताकि आप होश में आ जाएं और इसके खतरे को समझें। हिटलर सिर्फ एक नाम नहीं है, उसके कारनामे में उसके पीछे हजारों लाखों लोग सनक गए थे उस वक्त की जर्मनी में, और उन सनके हुए लोगों ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरह की तबाहियों को अंजाम दिया था, क्रूरताओं को अंजाम दिया था, जिसका यहाँ पर अध्ययन किया गया। बहुत सारी किताबें यहाँ पर मुझे ऐसी भी मिली हैं जिन्होंने हिटलर का विरोध किया था, कैसे विरोध किया था वो सब भी है। बिकमिंग हिटलर, ये हिटलर कैसे बनता है, मेकिंग ऑफ ए नाज़ी, अब सोचिए इस पर भी एक अध्ययन है कि आप नाज़ी कैसे बन जाते हैं, कैसे सांप्रदायिक बनते हैं। भारत में बहुत कम इन सब चीज़ों, इन सब खतरों को लेकर अध्ययन हुआ है। ये देखिए हिडन हिटलर नाम है इस किताब का। तो मैं इस स्ट्रैंड बुक स्टोर में लाकर आपको यही एम्पायर ऑफ डिस्ट्रक्शन, देखिए तबाही का साम्राज्य, टाइटल देखिए, ये नाज़ी मास किलिंग है, हिस्ट्री ऑफ नाज़ी मास किलिंग, जो लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा गया है, वो इस खतरे को समझने के लिए मैं मानता हूँ कि भारत में ऐसा कोई भी इतिहासकार नहीं है जिसके पास, जो हिटलर और जर्मनी का इस स्तर पर अथॉरिटी हो, जिसका अध्ययन हो, जिसका अपना एक नज़रिया हो। लेकिन इस स्टैंड बुक स्टोर के इस सेगमेंट में आकर आपको पता चलता है कि ये आदमी, इसको समझने के लिए दुनिया, जिसने पूरी अपने दौर के जर्मन लोगों को भटका रखा था, जो इसकी चपेट में आ गए थे, इसकी आंधी में, इस आदमी को समझने के लिए कितने स्कॉलर, विद्वानों ने अपना जीवन झोंक दिया और जाकर तब जाकर इसे समझा गया। हिटलर को हजारों प्रकार से, द माइंड ऑफ एडोल्फ हिटलर, पैथोलॉजी ऑफ हिटलर, अ माइंड ऑफ हिटलर, इस तरह के टाइटल हैं इस बदमाश आदमी की। ये देखिए, आई न्यू हिटलर, तो कोई जानता होगा इसको, और इसके किस किस तरह से एक हिटलर बनता है, ये एक बहुत दिलचस्प किताब है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द कॉन जॉब ऑफ द सेंचुरी, द फेकिंग ऑफ द हिटलर डायरीज, मतलब हिटलर की फर्जी डायरी, की हिटलर किस किस तरह से राष्ट्र चिंतन कर रहा है। होता है ना, बहुत सारे नेता राष्ट्र चिंतन कर रहे होते हैं, फर्जी किताबें भी लिख देते हैं और वो किताबों को उसका प्रचारित किया जाता है, तो मालूम नहीं होता है कि इतना व्यस्त राजनीतिक जीवन में रहते हुए आप फर्जी किताबें कैसे लिखते हैं। तो ये किताब देखिए, आपको ये देखते हुए कुछ याद आ रहा है, सेलिंग हिटलर, तो ये इसलिए मैं लाया हूँ। मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, वाइल वी वॉच, जो विनय शुक्ला ने फिल्म बनाई है, उसका यहाँ पर न्यूयॉर्क के IFC सेंटर में बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है डॉक्यूमेंट्री और फिल्म की दुनिया के लोगों के लिए, तो वहाँ पर ये फिल्म दिखाई गई है। लेकिन मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं ये लगातार सोच रहा हूँ कि फिल्म के साथ साथ और मैं क्या आप लोगों को बता सकता हूँ। तो ये बहुत ही दिलचस्प किताबों का कोना है। सेबेस्टियन हाफनर, आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, मैं भी पहली बार इन्हें कवर पर देख रहा हूँ। द मीनिंग ऑफ हिटलर, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किताब पढ़कर ही आप विद्वान नहीं बनते हैं, इसकी शुरुआत होती है किताब को पलटने से, छूकर देखने से, इसके कवर को देखने से पता चलता है कि इस बदमाश को समझने के लिए जर्मनी, जो इसकी चपेट मरा कर अपने ऊपर इतनी तबाही मोल लेता है, अब आप देखिए कि इसको समझने के लिए इतने सारे लोग समझ के किताबें लिख रहे हैं। तो इस हिटलर की दुनिया को समझने के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ख़तरनाक, इसलिए जब कहा जाता है कि हिटलर को कभी पसंद मत करना, उसका मतलब ये नहीं होता है कि हिटलर सिर्फ एक व्यक्ति है। हिटलर ने जिस तरह की तबाहियों का साम्राज्य बनाया, विनाश लीला रची, उसका स्केल बहुत बड़ा है, और उस तरह का स्केल आपको किसी पुराण में, किसी तरह के
कथाओं में, किसी तरह की हर तरह की पौराणिक कथाओं में एक से एक आतताइयों की कल्पना की गई है, उनकी कहानियाँ रची गई हैं, लेकिन इस आदमी ने उन तमाम कल्पनाओं की हदों को ध्वस्त कर दिया था। मैं चाहता तो यहाँ के जनरल बातें कर सकता था किताबों के बारे में, लेकिन मेरी एक कोशिश ये थी कि आप कम से कम जाने कि एक थीम को लेकर जाने कि यहाँ पर किस तरह की किताबें हैं। करीब करीब 250 से ज़्यादा ऐसी किताबें हैं जो केवल हिटलर पर लिखी गई हैं, और ये सर सारी जो किताबें हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कितना, देखिए, शिद्दत से पढ़ रहे हैं। आप कई लोग सीढ़ियाँ चढ़ाकर घंटों यहीं पर पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप में से किसी को लगता है कि दुनिया ने पढ़ना बंद कर दिया है तो आप गलत हैं। जो अच्छे लोग हैं अपनी ज़िंदगी में किताबें उनकी पहली प्राथमिकता हैं, और ये रविवार के दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ भी बहुत सारे जो लोग हैं वो किताबों की को लेकर भटक रहे हैं। तो ये मत समझिएगा कि दुनिया ने पढ़ना छोड़ दिया और अमेरिका ने पढ़ना छोड़ दिया। 30 किलोमीटर की दूरी तक की जो किताबें अगर आप सजाएंगे वो अमेरिका में है, भारत में नहीं है। कितनी राजनीति हो जाती है विक्रमशिला और तक्षशिला और पता नहीं क्या क्या को कि कितनी राजनीति हो जाती है हमारे यहाँ अतीत को लेकर, लेकिन आज अमेरिका के वर्तमान में इस तरह की किताबों की दुकानें हैं जहाँ पर 25 लाख से ज़्यादा किताबें बताई जाती हैं। यहाँ पर आप आकर पुरानी किताबें बेच सकते हैं, यहाँ पर आकर आप नई किताबें तो खरीदेंगे ही, और नहीं कुछ नहीं तो देखिए, ये बैटल अगेंस्ट हिटलर है, फेथ ट्रूथ डिफाइंस इन द शैडो ऑफ द राइट थर्ड राइट। अब आप देखिए बार बार इनके कई टाइटल में फेथ आता है, ट्रूथ आता है। इसने झूठ का ऐसा जाल फैलाया पूरी दुनिया भर में हिटलर ने और जर्मनी में, कि सत्य की पड़ताल करना सत्य अपने आप में और झूठ अपने आप में राजनीतिक विषय हो गया, अध्ययन का विषय हो गया कि झूठ से इंसानों और शहरों में किस तरह की तबाही और बर्बादी लाई जाती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, और आपने बहुत ध्यान से हमने जिन किताबों को पलटकर जिनके कवर को दिखाया है उसे आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, और इस वीडियो को पलट पलट कर भी देखिएगा कि इस किताब का क्या मतलब है। हॉलोकास्ट के एक से ख़तरनाक भयानक कहानियों के बारे में इसकी किताबें हैं। अब ये देखिए, सिविल सोसाइटी एंड मेमोरी इन पोस्ट वार जर्मनी। तो जर्मनी में जब इसका अंत होता है तो लोगों ने इसे किस तरह से याद रखा, अपनी इस यातना को किस तरह से लोगों ने उससे जूझा है, उससे निकलने की कोशिश की है, ये देखिए, ये इसकी चर्चा विटनेस टू नूरेमबर्ग बहुत होती है। तो आप पढ़ेंगे, उम्मीद यही है कि आप हिटलर के ख़तरनाक बातों को जानेंगे, और हिंदी के दर्शकों को किताबों की दुनिया में पहुंचने के लिए सबको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप पढ़िए, और जो भी किताब पढ़िए वो ज़रूर बताइए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं रवीश कुमार आपसे विदा लेता हूं। आप देख रहे थे रवीश कुमार ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।